बस ऊपर आओ और दरवाजा तोड़ने में हमारी मदद करो, हमें आमी से बात करनी है। सही कहा, मुझे भी उन्हें एक तोहफा देना है। पहले मैं उन्हें उड़ाऊंगा, फिर तुम्हें जो बात करनी है कर लेना। हथियार नीचे रखो। नहीं, तुम यही कहोगे ना कि तुम मेरी वजह से यहां हो, पर मैंने तुम्हें यहां आने को नहीं कहा था। हथियार फेंको रियो, बात मानो मेरी, मेरी बात मानो, अपना हथियार फेंक दो। आज अब यहां और कोई नहीं मरेगा। बस यही यही तो हमारी प्रॉब्लम है। हम हमेशा अच्छा बनना चाहते हैं, पर जंग में कोई कभी अच्छा नहीं होता। गांधीया ने नैरोबी को मारा और हमने उसके साथ क्या किया? उसकी मरहम पट्टी की और उसे छोड़ दिया। लेकिन उसने क्या किया? वापस आकर टोक्यो की जान ली। अब हम इन हराम के पिल्लों को बचाना चाहते हैं, आखिर किस लिए? ताकि ये कल आके हमें ही काटे। पर हम इन्हें मारेंगे नहीं, पता है क्यों? क्योंकि हम सबके सब कायर हैं। हमारे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि हम किसी को जान से मार दें। जब हमारे साथ बर्लिन था तो वो ये सब चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल लेता था। तुम्हें क्या लगता है वो गांधीया के साथ क्या करता? मैं बताता हूं तुम्हें, वो उसकी जान लेता नैरोबी को मारने के लिए और टोक्यो की जान लेने के लिए। अगर तब मुझे फैसला लेना होता ना, तो तुम अभी किसी रेगिस्तान में दफन होते समझ में आया, और नैरोबी और टोक्यो अभी भी जिंदा होती, और वो छह जवान भी जिनकी जिंदगी चली गई। पर देखो ना, तुम तो अभी भी जिंदा हो, तो अब ना कोई बेवकूफी करना और ना ही किसी को मारना। मैथियास, दरवाजा तोड़ो।